जबलपुर के सरकारी अस्पताल का रियलिटी चेक नहीं मिल रही है। अस्पताल में मरीजों को दवाइयां बाहर से दवाइयां लाने को मजबूर। मरीज अस्पताल की व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं कई सवाल। बीसीएन न्यूज ने किया चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल का रियलिटी चेक। इस रियलिटी चेक में सामने आया कि चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में भी दवाइयों की कमी है। यहाँ मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से पैसे खर्च कर दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। मरीजों ने बताया कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई एक या दो ही दवा इस अस्पताल में उपलब्ध है, बाकी की सभी दवाइयों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। ऐसे में गरीब मरीजों को पैसे चुकाकर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। अस्पताल में ना तो टीटी का इंजेक्शन है और ना ही सर्दी बुखार की पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी ब्लड टेस्ट के लिए बाहर पैसा खर्च कर ब्लड टेस्ट करना पड़ रहा है। मरीज ने यह भी बताया कि डॉक्टर ठीक तरीके से चेकअप नहीं करते और यहाँ के जो नर्स हैं वह भी पेशेंट के साथ सही बर्ताव नहीं करते। इस रियलिटी चेक के दौरान मरीज ने अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। चंद्रपुर के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में रोजाना करीब 1300 से 1400 मरीज इलाज कराने आते हैं। इसमें यहाँ का स्टाफ भी कम पड़ता है, इसलिए अब यहाँ मरीज के लिए पर्याप्त सुविधा की मांग की जा रही है। पिछले 24 घंटे में इस अस्पताल में 5 मरीजों की मौत भी हुई है। फिलहाल अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है, अब नए मरीजों के लिए बेड भी खाली नहीं है। ऐसे में अब मरीज जाए तो कहाँ जाए, ये सवाल भी उठ रहा है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद भी चंद्रपुर का सरकारी अस्पताल प्रशासन अब भी सुस्त नजर आ रहा है। समय रहते सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो नांदेड़ जैसी घटना चंद्रपुर में भी हो सकती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले पर हमने अस्पताल के सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के मुखिया से बात करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। क्या हुआ? हार्ट का प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ जा रही है। क्या हुआ? है हमारे पास बेड खाली नहीं है, आईसीयू खाली नहीं है, हाथ उठा लिए थे। औषध नहीं है मने इते बाहर उन घ्या मने तुम्ही बोलते सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ चिट्ठी में सिर्फ पैरासिटामोल गोली मिलती है, बाकी सब हम लोग हर चीज बाहर से लेना पड़ता है। इसको सरकारी हॉस्पिटल बोल के कुछ फायदा ही क्या? काही नहीं, मी डोळ्याच्या दवाखान्यात गेली होती आणि स्किन स्पेशलिस्ट आहे त्यांच्याकडे गेली, पण ते कसं बाहेरूनच औषधी लिहितात, तिथे काहीच अवेलेबल राहत नाही। आपण 20 रुपये चिट्ठी काढूनही सियाचं आणि इथं कॉस्टली, आता आपल्याकडे गरीब माणसांनी कसं घ्यायचं हे औषधी, म्हणूनच सर। आणि तिथे फक्त सर्दी आणि औषधी देतात, आपल्या स्कायरप आणि सायरप देतात आणि एकच गोळी देतात ते। आणि त्यांना कसं ब्लड नाही, मम्मीला आणलंय दवाखान्यात, ब्लड टेस्ट करायचं होतं त्यांचं, तर काल आणलं होतं, काल काही एक्सिट झालंच नाही, बंद झालं होतं काल। हो तर मग अजून आज या लागलं, मग आज ब्लड टेस्ट घेतलं, मग आता नॉर्मल निघालाय ब्लडमध्ये, काही तेवढं हे नाही निघालं, तर आता बाहेरून गोळ्या दिल्या, काल तिथून गोळ्या घेतल्या, अर्ध्या गोळ्या काल तिथून दिल्या, तर आता इथून घ्यायला लागत आहे। नाही, काल एक बॉटल दिली आहे खोकल्याची आणि एक तापाची गोळी दिली आहे, आता अर्ध्या गोळ्या तिथून दिल्या, आता बाहेरून तुम्ही घ्या म्हणते। हो तिथं गोळ्या गोळ्या आहे ना, म्हणजे हे समजत नाहीये सर का, म्हणजे हे दवाखाना कशासाठी खोललाय सर? आम्ही दवाखान्यामध्ये प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये काहून जातो, कारण की पैसे खूप लागते तिथं प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये, आणि आम्ही ते चेक करायसाठी मग इथे येतो सरकारी मध्ये, कारण की फ्री इलाज होल झाला पाहिजे बा म्हणून। पण तिथे कसं आहे का, अर्ध्या गोळ्या तिथून देतात ना, अर्ध्या गोळ्या इथून घ्या म्हणजे तुम्ही, हे काही फायदाच नाहीये ना। मग तुम्ही सरकारी हॉस्पिटल खोललं तर कशासाठी खोललं बा, तेच आम्हाला कळत नाही ना। ये मेरा दोस्त है, मैं लेके आया ना, यहाँ पे ट्रेचर है ना कुछ है ना, कोई सुविधा है सर जी, बस ये चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे कुछ सुविधा मिले करके, नहीं क्या? ये भाई लोगों के लिए दीदी लोग बैठे हैं इधर, ऐसी वहाँ पे पूरे सब बैठे हैं, कुछ सुविधा मिले, सुविधा के लिए मैं ये चाहता हूँ कि कुछ करे, है कि नहीं? सरकारी हॉस्पिटल है, अभी सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए कुछ करे आगे चल के, कुछ तकलीफ ना हो किसी को, कोई बहन बेटी को, मेरा भाई दोस्त जो भी हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कुछ नहीं दिए इसको, ट्रेचर नहीं है। चंद्रपुर से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताइडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।